खुशी तो लग रहा है कि हम ये साई बन गए हैं, तो इतना खुशी होता है। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि इनकी सफलता है। करंट अफेयर वो एक स्पीड या था मंथली, आप वो पढ़ सकते हैं, वो इनफ है। अगर अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये तीन बुक के साथ प्रीलिम्स के लिए वो आप पढ़ोगे तो मतलब, लेकिन अच्छे से 100% के साथ पढ़ना होगा। तो नहीं आया है क्योंकि अभी ये पेपर में आउट हुआ था कि 194 पेपर चोरी हुई है, उसके वजह से रिजल्ट में डिले हो गया हम लोगों का। देखिए अभी हम गांधी मैदान है और गांधी मैदान में मुझे नीतू मिल गई है, और नीतू छपरा के रहने वाली है और बिहार दरोगा में रिजल्ट निकाल करके कमाल कर दी है। अभी मेरे साथ नीतू है और नीतू के ट्रेनर गुरु जी हैं और साथ में इनके मित्र हैं। नीतू आपको बहुत बहुत बधाई कि आप दरोगा बन गई हैं। बहुत थैंक यू सो मच। और इसका श्रेय तो मेरे ट्रेनर बहुत आदरणीय पूजनीय जो भी बोलिए अच्छा, मेरे सर गुरु जी हैं और बाकी तो मेरे फैमिली फ्रेंड्स तो हैं ही। हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत मतलब क्या बोलूँ, मतलब कि ये मेरा सेकेंड टर्म था, फर्स्ट टर्म तो नहीं था। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म मेरा 2 मार्क्स कम था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2446 वाले में, और ये मेरा नंबर तो इस बार अच्छा था, तो मुझे जब मैं एग्जाम से निकली तभी मुझे लग गया कि मेरा इस बार सिलेक्शन होना निश्चित है। तो एक होता है ना पॉजिटिविटी माइंड में हमेशा होते चला गया मेरा। हाँ, सब चीज़ सारा इवेंट्स मेरा फर्स्ट टर्म में, रनिंग का टाइमिंग फर्स्ट शिफ्ट बी में मेरा फर्स्ट था, तो फर्स्ट ही में मेरा सब चीज़ ओवरऑल हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा और उस मतलब होता है ना, जब मैं आप लोग भागिए ना, पास करने के लिए तभी मुझे लग गया कि मेरा मतलब इस बार सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो बस लेकिन एक जब तक एग्जाम मतलब डेट नहीं आता, सॉरी रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक तो एक डर सा जो है हमारे अंदर बना रहता है ना। तो वो डर था, बस जब मेरिट आया तो नंबर अपना जब डाल रही थी तो मेरा 5 मिनट तक मेरा धड़कन तेज क्या बोले होते रह गया। तो फिर भी जब मैं नंबर देखी अपना तो, और मेरा ऐसा ही मैं सार्जेंट पोस्ट पे हुआ 84 गर्ल्स पे मैं मतलब फाइट की हूँ, जो भी हुआ बहुत अच्छा पोस्ट मिला, इसके लिए मैं अपने गुरुजी को श्रेय देती हूँ और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। कब से तैयारी कर रही हैं आप? मैं 2019 से जो वैकेंसी आया था 2446 का दरोगा, उसी टाइम से तैयारी कर रही है। तो पिछले बार कितने नंबर से आप पीछे रह गए? दो नंबर से। सोच लीजिए पिछले बार ये 2 नंबर से पीछे रह गई थी। इससे पहले भी मैं आपका इंटरव्यू ले चुका हूँ। हाँ, बिहार पुलिस वाला भी मेरा हो चुका, तब आप मेरा इंटरव्यू लिए थे। बिहार पुलिस में भी ये रिजल्ट निकाल के आई थी और उसमें मैं यही इसी गांधी मैदान में आया हुआ था, तो ये रिजल्ट लेकर के आई थी और उस इनका इंटरव्यू लिया था मैं। तो अभी गांधी मैदान में हूँ और गांधी मैदान अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, और गांधी मैदान यहाँ पर समझिए कि और यानी कि ऑफिसर और वर्दी को वर्दी दिलाने का फैक्ट्री हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और दौड़ते हैं, फिजिकल के ट्रेनिंग करते हैं और सिलेक्शन होते हैं। अभी गुरु जी हैं, गुरु जी कोई भी अगर किसी भी टीचर के स्टूडेंट अगर सक्सेस होता है, पास होता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को होता है और उसके बाद उसके माता पिता का होता है। कितना खुशी हो रहा है आपको? खुशी तो लग रहा है कि हम ये साई बन गए हैं, तो इतना खुशी होता है। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि इनकी सफलता ही हमारी पहचान है। ऐसे भी आपके पास से तो बहुत सारे लोग दरोगा बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल में जाते रहते हैं। हाँ, वो तो है, क्योंकि इन लोगों का प्यार रहता है और एक ट्रस्ट के साथ टीम ज्वाइन करते हैं और हम लोग दिन रात मेहनत करके इनको इनकी मंजिल तक पहुँचाने का काम करते हैं। नीतू जी, एक सवाल है कि आप जब तैयारी कर रही थी तो आप जो मेंस की तैयारी कर रही थी उस समय आप कौन कौन सा बुक का प्रेफर किए थे, कौन सा बुक ज़्यादातर आप पढ़ी थी? सर ज़्यादातर मैं बुक नहीं पढ़ी हूँ, बस एक लूसेंट जो मेरे दोस्त मित्र जो मुझे बताएं, और एक स्पीडी जो जीके जिसका भी आता है स्पीडी का, और एक साइंस जो स्पेशलिस्ट साइंस के लिए होता है, बस यही 3 बुक के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ। करंट अफेयर्स कैसे? करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए तो करंट अफेयर वो एक स्पीडी आता मंथली, आप वो पढ़ सकते हैं, वो इनफ है। अगर अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये 3 बुक के साथ प्रीलिम्स के लिए वो आप पढ़ोगे तो मतलब, लेकिन अच्छे से 100% के साथ पढ़ना होगा तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस पे थोड़ा फोकस करना होगा। आपके माता पिता क्या करते हैं? आपके घर के फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? ऐसे तो फार्मर है, मतलब मेरी दादी ही की मतलब कृषि का श्रेय मैं अपने दादी को देती हूँ, क्योंकि दादाजी है नहीं और मेरे पापा जी हैं तो प्राइवेट जॉब करते हैं बाहर। अच्छा, बाहर? हाँ, बिहार से बाहर। तो और वही बस दादी हमको पढ़ाई और पापा यहाँ तक हमको पहुँचाए हैं, बस दोनों का, और माँ भी है घर में, हाउस वाइफ है बस। चलिए, नीतू थी, नीतू से बातचीत कर रहे थे और इनके और मित्र हैं जो ये लोग भी दरोगा की तैयारी कर रही हैं और यहाँ पर बैठी हुई हैं और फिजिकल की ट्रेनिंग करने आई थी। क्या नाम हुआ आपका? मधु। आप कब से तैयारी कर रही हैं? एक डेढ़ मंथ से। एक डेढ़ मंथ से। क्या क्या चीज़ का अभी एग्जाम दी हैं आप?
मैं तो फिलहाल ये फायरमैन का ही दिया। फायरमैन का जी। रिजल्ट आया उसका? अभी तक तो नहीं आया है। हाँ। क्योंकि अभी ये पेपर में आउट हुआ था कि 194 पेपर चोरी हुई है, उसके वजह से रिजल्ट में डिले हो गया हम लोगों का। देखिए 194 पेपर ही चोरी हो गया है, जिसके वजह से रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बिहार में तो आम बात है, कोई पहले रिजल्ट, पहले तो वैकेंसी निकलेगा, वैकेंसी जब निकलेगा तो उसको एग्जाम लेने के लिए उसके लिए धरना प्रदर्शन करने पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा कि पेपर ही चोरी हो जाएगा, चाहे तो क्वेश्चन लीक हो जाएगा, उसके लिए फिर धरना प्रदर्शन करेगा, स्टूडेंट डंटा खाएगा, उसके बाद फिर किसी तरह से फिर रिजल्ट आएगा, उसमें भी बहुत सारे मुश्किल को सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा दुख इसी बात की होती है कि एग्ज़ाम देने जाता है, कितना दूर देने जाता है, और उसके बाद भी अच्छे से एग्ज़ाम नहीं हो पाता। आपका क्या नाम हुआ? आपका प्रीति कुमार। आप भी एग्ज़ाम दी थी? दुर्गा का एग्ज़ाम दी थी? मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मेंस जीत। चलिए, बहुत अफसोस हो रहा है, अगली बार फिर से तैयारी कीजिए। अच्छा, जरूर तैयारी करेंगे। तो चलिए, ये हो गई, और अभी और भी लोग हैं यहाँ पर जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? साहिल सिंह। साहिल सिंह, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? लगभग 6 महीना से। 6 महीना से रिजल्ट निकला? फायरमैन का है। फायरमैन का हो गया, तैयारी चल रही है ज़बरदस्त? हाँ, चल रही है। चलिए, बहुत अच्छा कि आप फायरमैन बनिए और ज्वाइन कीजिए। अभी नीतू से एक सवाल और करेंगे, कितना खुशी हो रहा है आप दरोगा बन गई हैं, और अपने गांव समाज के लोग काफ़ी खुश होंगे, आपके गांव समाज के लोग? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मतलब इस खुशी के पीछे बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत है और फैमिली का सपोर्ट रहा। आपके घर परिवार, आपके रिलेशन में कोई पहले दरोगा बने थे या नहीं? नहीं, कभी गांव में भी नहीं। गांव में भी नहीं? नहीं, गांव से पहली दरोगा? हाँ, फर्स्ट लड़की मैं हूँ अभी। गांव का क्या नाम है? मढ़ौरा धेनु की तकत है, जहाँ पे फर्स्ट चीनी मिल आपका शुरू हुआ था बिहार में 1904 में, जो ही बंद है, जो कि अभी बंद है, तो वहाँ ही मेरा घर है, एकदम प्रॉपर वहीं की हूँ मैं। तो वही घर एकदम प्रॉपर आपका चीनी मिल? बस वही पास, 1 किलोमीटर के आसपास मेरा घर है वहाँ। बस समझिए कि इनके घर में कोई, अभी गांव में ही कोई दरोगा नहीं बनी? नहीं, कोई नहीं, गांव में भी कोई नहीं है। तो चलिए, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और ये नीतू थी, हाँ, जोर से ताली बजाइए, बजा भी रही हो तो। आपको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है कि आप अपने बिहार को सेवा कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए, जनता को सेवा कीजिए। इसी के साथ आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज़, गांधी मैदान से। नमस्कार, जय हिंद।